सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की जो सबसे बड़ी बात होगी, बिना किसी लिखित परीक्षा के यहाँ पर भर्ती होने वाले, यानी कोई आपके यहाँ पर इस भर्ती में लिखित परीक्षा भी नहीं होगी। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए जा सकते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए होगी, हेड कांस्टेबल डिप्टी कमांडेंट यानी कि डीसी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो के एन अप्लाई तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोग स्टूडेंट एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, उस सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से यहाँ पर भर्ती चलेगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके हाइट और वेट रहेगा कुछ इस प्रकार से होगा, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। और जो फिजिकल टेस्ट होगा, केवल केवल दो पोस्ट के लिए होगा, एक पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए 80+5 सेंटीमीटर का फ्लॉप भी होना अनिवार्य, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपके यहाँ पर दौड़ होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। जैसे कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट की रहेगी 100 मीटर के लिए 16 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, लॉन्ग जंप आपको यहाँ पर 12 फीट रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर के लिए 18 सेकंड के लिए आपका यहाँ पर समय दिया जाएगा, और 800 मीटर के लिए 4 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। जो आपको लॉन्ग जंप रहेगा 8-9 फीट रहेगा, और हाई जंप आपको यहाँ पर 3 मीटर रहेगा, दोनों में आपको यहाँ पर 3-3 चांस दिए जाएंगे। इस भर्ती एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं नोटिफिकेशन में बताऊँ कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन के पास होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 28,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस होगा, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी यूआर जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 45 ईयर के बीच में अगर आप कहे जाए तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 48 ईयर, और एससी कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 50 ईयर के बीच में अगर आप कहे जाए तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यहाँ पर कुछ और रहेगी, यानी कि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर बताई गई है। अधिक जानकारी के लिए मैं नोटिफिकेशन में ही बता दूंगा। जो आपकी एज काउंट रहेगी 1 अप्रैल तक की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल को आपकी जितने 18 से कम होने 45 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको जो यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएससी वालों को 5 रुपये दी गई है, ओबीसी वालों को आपको यहाँ पर 3 रुपये छूट आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल में को पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स होना अनिवार्य है, प्लस इनकी जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, आप उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जो डिप्टी कमांडेंट की वैकेंसी होगी इसमें इंटरव्यू होगा केवल और केवल, यानी कोई लिखित परीक्षा आपके यहाँ पर नहीं होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगी फाइनल मेरिट
बनाई जाएगी। तो अदर वैकेंसी रहेगी उनके लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इस भर्ती की जो इंपोर्टेंट डेट रहेगी वो आवेदन यहाँ पर आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं। इस भर्ती और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और कौन से कैंडिडेट को कब जाना होगा उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा। तो यहाँ पर इस भर्ती की सभी जानकारी लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। इस भर्ती का जो डिप्टी कमांडेंट का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। जैसे आप यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। इस भर्तियों को वेतन मिलेगा, यानी कि जो सैलरी दी जाएगी 75,000 रुपये आपको यहाँ पर वेतन दिएगा, और कौन से कैंडिडेट को कब जाना होगा उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे इंटरव्यू की डेट, प्लस आपको यहाँ पर टाइमिंग भी बताया गया है। अगर आप दिल्ली में जाना चाहते हैं तो 19 मई से लेकर 20 मई के लिए आपको प्रेजेंट होना होगा, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आपके यहाँ पर इंटरव्यू चलेंगे। गुवाहाटी असम में 25 मई से लेकर 26 मई और आपके यहाँ तेलंगाना में 1 जून से लेकर 2 जून के बीच में आपके यहाँ पर इंटरव्यू रहेंगे, जिसमें आपका टाइमिंग 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इस भर्ती का अभी तक यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है डिप्टी कमांड का हुआ है, और जो यहाँ पर अदर वैकेंसी रहेगी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जल्दी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसे होगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। यानी कहने की बात यह है, यहाँ पर डीसीएन डिप्टी कमांडेंट की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। डिप्टी कमांडेंट की जो एजुकेशन रहेगी उसकी जानकारी आपको इसी वेबसाइट में मेंशन की गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।